Good morning students, this is Sapesh Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about the exercise question and answers from the chapter body movements. So there are some multiple choice questions. So isme pehla hai hamare paas the name of bone present in forearm. Ab hamare forearm mein kaun si bone mein se present hoti hai wo aapko batana hai. So the first option is cranium, the second is ligament, the third is ulna एंड द फोर्थ इज टिबिया. तो आपको पता है जो क्रेनियम है वो सर में जो बोन होती है उसको कहते हैं. लिगामेंट बोन्स को बोन से जोड़ने के काम आता है. टिबिया जो होती है दैट इज बेसिकली इन आर लेग. जो टिबिया बोन होती है ये हमारे लेग के अंदर होती है, ठीक है, लोअर लिम्स जिसे हम कहते हैं. और बची उल्ना, तो जो उल्ना और रेडियस होती हैं दोनों हमारी आर्म्स के अंदर होती हैं. सो फोर आर्म के अंदर जो ब्रेन जो फोर आर्म के अंदर जो बोन होती है दैट इज यूलना. इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा. यहाँ पे उलना इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है. ओके, नाउ विल बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. डैश जॉइंट्स टू बोन्स, इनमें से कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है. इज इट क्रेनियम, इज इट ह्यूमरस, इज इट टेंडन और इज इट लिगामेंट. अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था. तो लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, दो बोन्स को जोड़ता है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ विल बी कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. द नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन बैक बोन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग इज, हमारी जो बैक बोन होती है वो वर्टेब्रा से बनी होती है. तो एक अडल्ट ह्यूमन बींग की बैक बोन में कितने वर्टेब्राज होते हैं. सो हियर आर द ऑप्शन. Is it 29? Is it 33? Is it 4? Or is it 14? So all of us know that student there are 33 vertebrae are there in our backbone. So for question number 3 the option B will be the right answer. Question number 3 ka option B sahi ho jayega. That is 33. Now we'll be having question number 4. Dash is also called brain box. Inme se kis part ko hum brain box kehte hain? Is it humerus? Is it pelvic girdle? Is it पेक्टोरियल ग्रिडल और इज इट क्रेनियम. तो ब्रेन बॉक्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है. सो फोर्थ का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज एक्सोस्केलेटन, इनमें से कौन सा एक्सोस्केलेटन है. तो एक्सोस्केलेटन आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी से बाहर होता है, ठीक है. सो इज इट मैन, इज इट फिश, इज इट बर्ड और इज इट कॉकरोच. तो मैन, फिश और बर्ड की जहाँ तक बात है हम सबके स्केलेटन, इन सबके स्केलेटन्स कहाँ पे होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं. बट अगर कॉकरोच की बात करें तो वो एक एक्सोस्केलेटन क्रीचर है जिसका स्केलेटन उसकी बॉडी के बाहर होता है. सो हेयर आई हैव मार्क्ड सी एज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, कॉकरोच. नाउ विल बी कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्नेल, जो स्नेल होता है वो किसकी हेल्प से अपना लोकोमोशन करता है. इज इट Pseudopodia, is it tentacles, is it muscular foot or is it setae? So the answer is muscular foot. जो snail होता है उसके पास muscular foot होता है, उसी की वजह से वो क्या करता है, अपना locomotion करता है. So हमारे यहाँ पे सारे fill in the blanks क्या हो गए students, complete हो गए. Now we'll be coming to, multiple choice questions finish हो गए. Now we'll be coming to fill in the blanks. इसमें हमारे पास पहला फिल इन द ब्लैंक आ जाता है. डैश एंड डैश सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू प्रोवाइड अस विद मूवमेंट. हम जो मूवमेंट कर पाते हैं वो हमारे कौन कौन से सिस्टम साथ में वर्क करते हैं उनकी वजह से. इट इज़ ड्यू टू द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम. हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम की वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट, शोल्डर हैज़ डैश जॉइंट्स. हमारे जो शोल्डर होते हैं उसमें किस टाइप का जॉइंट होता है. इट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉल टाइप की बोन होती है वो सॉकेट के अंदर हमारे शोल्डर के फिट हो जाती है. तो हमारे शोल्डर में कैसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. मसल्स आर जॉइंट बाय बोन टू द बोन्स बाय, जो मसल्स और बोन्स को जॉइंट करने का काम करता है टिश्यू उसका नाम क्या होता है, उसे हम टेंडन्स कहते हैं. TENDONS, टेंडन्स. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. देर आर डैश पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं. देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, रिब्स के. रिब्स आर अटैच टू डैश इन फ्रंट एंड डैश टू द बैक. मतलब फ्रंट पोर्शन में रिब्स किससे अटैच होती हैं, हमारी चेस्ट बोन से और पीछे बैक बोन से. सो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक में चेस्ट बोन आ जाएगा और दूसरे में बैक बोन आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
द डैश मूवमेंट्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आर विल. इनमें से कौन सी मसल्स की मूवमेंट हमारी बॉडी के हमारे कंट्रोल में नहीं होती है? दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री. जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. कॉकरोच हैज डैश पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस एंड विंग्स फॉर मूवमेंट. मतलब अपेंडेजेस का मतलब लेग्स ही होता है. तो कॉकरोच के पास 3 pairs ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब इन टोटल 6 होते हैं. देन बर्ड्स हैव डैश बोन्स एंड डैश बॉडी. जो बर्ड्स होते हैं उनकी बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो एंड लाइट. और बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइंड. ओके, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं. अब हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन हैं. द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन विच पासिस थ्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड कंट्रोल्स आर रिफ्लेक्सेस इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. दिस इज फॉल्स. उसको तो हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. द पेक्टोरियल ग्रेडल सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ आर्म्स. दिस इज ट्रू. जो पेक्टोरियल ग्रेडल होता है हमारा ऊपर वाला, वो किसको सपोर्ट करता है? हमारी आर्म्स को. तो ये ट्रू है. अब यस नो है हमारे पास. आर द मसल्स अटैच टू बोन्स बाय लिगामेंट? नो, टेंडन्स की वजह से अटैच होती हैं बोन्स तो हमारे लिए. देन आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थमास अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड सीएटे? यस, अर्थवॉर्म्स के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको सीएटे कहते हैं, बिकॉज वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उन्हीं की वजह से अर्थवॉर्म क्या कर पाता है? मूव कर पाता है. नेक्स्ट, प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. क्या सही है कि कुछ प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं स्टिमुलस में? यस, जो हमारे पास छुई मुई का प्लांट होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा है, टशमी नॉट भी कहते हैं उसे, तो उसको अगर आप टच करोगे तो वो क्या शो करेगा? आपको रिस्पॉन्स शो करेगा. और उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं. कैविटी इज द हॉलो स्पेस इनसाइड द ब्रेन बॉक्स. जो कैविटी होती है वो हमारे ब्रेन बॉक्स में होती है. इट इज रॉन्ग. ठीक है, कैविटीज कहाँ पे होती हैं? हमारे जो वर्टेब्राज होते हैं उनके बीच में होती है, जिनसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. अब एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस हैं. रेडियस एंड उल्ना अपर लिम्स के साथ कनेक्टेड है, टीबिया एंड फिबुला लोअर लिम्स के साथ कनेक्टेड है. अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन ई, जिसमें हमें मैच द कॉलम करना है. तो मैच द कॉलम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने जस्ट कॉलम जो सेकंड है, कॉलम वन के जो उसके साथ मैच हो रहे हैं उसके राइट में लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4 करके इस टाइप से. ठीक है, सो फर्स्ट वाला है हमारा लोकोमोशन. लोकोमोशन कॉलम टू में किसके साथ जाएगा? जी वाले के साथ जाएगा. मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसीलिए मैंने उसके साइड में 1 मार्क कर दिया है. नेक्स्ट इज पिवट जॉइंट. जो पिवट जॉइंट है वो किसके साथ जाएगा? पिवट जॉइंट हमारा कहाँ पे होता है? नेक में होता है. तो इसलिए मैंने जो एफ पे आ रहा है कॉलम टू में नेक, उसके साइड में 2 मार्क कर दिया है. देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ पे होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ऑब्जर्व इन विच पोर्शन ऑफ आर बॉडी? इट इज इन हिप ऑल्सो. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप्स में भी होते हैं और शोल्डर में भी होते हैं, तो इसलिए कॉलम टू के ई के साथ जाएगा वो. नाउ वी आर हैविंग फोर्थ, दैट इज हिंग जॉइंट. अभी जो हिंग जॉइंट होता है ये कहाँ पे होता है? इट इज इन नी. ठीक है, ये हमारे नी में भी होता है और हमारे एल्बो में भी होता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th वन इन कॉलम 1 इज फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट किसके साथ होगा हमारा? इट इज विद स्कल. हमारे स्कल के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं दे आर ऑल फाइब्रस जॉइंट्स. नाउ द 6th वन इज लॉन्गेस्ट बोन. जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की वो कौन सी होती है? इट इज फीमर. ठीक है, कॉलम 2 में आई के साथ जाएगा, फीमर के साथ. नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म. जो अर्थवॉर्म होता है वो किसके साथ जा रहा है यहाँ पे? किसके किसकी वजह से मूव करता है वो? सेटे की मदद से. ठीक है, कॉलम 2 में जो सी नंबर पे है सेटे, सो अर्थवॉर्म किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा कॉलम 2 सेटे में, इसीलिए मैंने सी के साथ क्या लिख दिया है? 7 मार्क कर दिया है. नाउ जॉइंट बोन टू मसल. वो कौन सा पार्ट होता है जो बोन को मसल के साथ ज्वाइन करता है? सो इट इज कॉलम 2 में कहाँ पर है वो हमारा? कॉलम 2 में वो टेंडन्स है जो लास्ट में है जे पे. ठीक है, तो मैंने उसे उसके साथ ज्वाइन कर दिया है. नेक्स्ट इज नोज टिप. अब जो हमारी नोज टिप है वो किसके साथ ज्वाइन होगा हमारा? इट इज जॉइंट विद, मतलब नोज टिप के अंदर हमारा कौन सी बोन होती है, किस टाइप की बोन होती है? बोन तो होती नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज कार्टिलेज. तो हमारा जो नोज टिप है वो किसके साथ जाएगा? कॉलम 2 के डी के साथ जाएगा, कार्टिलेज के साथ. ओके, तो मैंने कार्टिलेज डी के साथ क्या लिख दिया है? 9 मार्क कर दिया है. एंड द लास्ट फिश. जो फिश होता है हमारा वो किसके साथ जाएगा यहाँ पे? फिश का कौन सा पार्ट दिया हुआ है आपको कॉलम 2 में? कॉलम 2 में हमें जो फिश का पार्ट दिया है दैट इज
ऑन नंबर एच फिन्स, तो फिश को हमने फिन से कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए एच वाले पोर्शन के साथ मैंने 10 मार्क किया हुआ है। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स मैंने कॉलम वन के सारे कॉलम टू के साथ मार्क किए हुए हैं, उनके साइड में जो फिगर लिखा हुआ है वो उसी के साथ जाएगा या किसी ना किसी तरह उसके साथ वो कनेक्टेड है। सो दिस इज व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, वी हैव डन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल्टरनेट टाइप रिस्पॉन्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो।